महावीर जी के आवास पर कुछ लोग पहुंच गए। बहनों भाइयों, ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि स्पॉन्सर्ड था हमारे राजनीतिक विरोधियों के द्वारा। कांग्रेस ही है प्रमुख, हमारी विरोधी तो वही है। योजनाबद्ध तरीके से अच्छी चीजें की जाती हैं, बदनाम कर दो, बड़ी लड़ाई है आपस में भारतीय जनता पार्टी में, नेतृत्व को लेकर लड़ाई है। सच्चाई को मैं जानता हूं बहनों भाइयों, क्षमा कीजिएगा, मैं अपने नेताओं को भी जानता हूं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, संगठन के प्रति प्रतिबद्धता उनकी ऐसी है, इच्छा के प्रतिकूल भी यदि कुछ हो जाए तब भी वो कभी यह नहीं देखना चाहेंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो जाए, कभी नहीं देखना चाहेंगे। आज मैंने, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि साहब यह खबर चल रही है, वह खबर चल रही है, सचमुच मैं चर्चा करना चाहता था लेकिन इच्छा नहीं हो रही कि मैं उसकी चर्चा करूं। कुछ लोगों ने यह भी कह दिया कि साहब वो मोदी को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं, कर रहे थे, यह तो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड है। बहनों भाइयों, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं, इतने दिनों से हमारे सारे नेताओं से बात हो रही है, किसी नेता ने मुझे नहीं कहा है कि हमको प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए अथवा हमें फला चीज के लिए प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए। नरेंद्र भाई जिनका नाम आ रहा है उनके बारे में मैं कहना चाहता हूं, 10 बार हमारी बात हुई होगी, लेकिन मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि एक बार भी उन्होंने नहीं कहा है कि कभी हमने कहा हो कि हमको यह बना दीजिए, हमको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर दीजिए। हिंदुस्तान टाइम्स को जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो तथ्यों पर आधारित था। चलो भाई, जो है भाजपा के नेताओं को बदनाम करो, जैसा भी हो इनकी छवि धूमिल करो। मेरे मित्रों, इस कॉन्स्पिरेसी से हम सबको सजग रहने की आवश्यकता है, और भी चलेगा, खूब चलेगा। और कल जिस तरीके से अडवाणी जी के यहां 20-25-50 लोगों ने जो नापाक हरकत की है उसकी मैं निंदा करता हूं, और मैं आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि जहां पर भी इस प्रकार की नापाक हरकत हो पूरी भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर उसका मुकाबला करना चाहिए। क्या हो रहा है हमारे नेता, कांग्रेस को हो क्या गया है? क्या ऐसा षड्यंत्र किया जाएगा किसी पार्टी को बदनाम करने के लिए? युद्ध जो होना चाहिए, अखाड़े की जो कुश्ती भी होती है मित्रों, उसके कुछ नियम होते हैं, वसूल होते हैं। दो देशों के बीच में भी युद्ध होता है तो युद्ध के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, विधि विधान होते हैं। सब कुछ एकदम बिल्कुल तार तार कर देने पर, उसको तोड़ देने पर यह कांग्रेस पार्टी आमादा है। मैं चला हूं वहां से तो अडवाणी से भी बात करके चला, सभी अपने वरिष्ठ नेताओं से, सारे लोगों से बातचीत हम लोगों की बराबर होती रहती है, हर विषय पर बात करते रहते। बहनों भाइयों, इस षड्यंत्र को हमें समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी चुनौती किसी राजनीतिक पार्टी के लिए होती है तो चुनाव होती है, और सबसे बड़ी चुनौती का वह क्षण अब आ गया है, दूर नहीं है। 6 राज्यों के चुनाव हैं, वो तो अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे, और उसके बाद फरवरी या मार्च, ज्यादा से ज्यादा भी आगे गया 2 नहीं तो 7 भी हो सकते हैं, लोकसभा के चुनाव भी हो सकते हैं। समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं साहब बहुत लंबा समय है, 1 साल का समय है। मैं कहता हूं कि आपके पास 4 महीने 5 महीने से अधिक का समय नहीं है। कोई बात हो सकती है हमारी इच्छा के प्रतिकूल, एकजुट हो जाइए। कल जैसा मैंने कहा था कि हम एक विचारधारा को लेकर राजनीति कर रहे हैं। बहनों भाइयों, हम सबको अपना मन बढ़ा करके, क्योंकि हम बार बार, क्योंकि हम जब छोटे थे तो संघ की शाखाओं में हमको यही बताया गया है, जो कुछ भी करना है राष्ट्र के लिए करना है, देश के लिए करना है, मातृभूमि के लिए करना है। प्रार्थना भी करते थे तो मातृभूमि की प्रार्थना करते थे, यही पाठ पढ़ाया गया है।
इसीलिए कल मैंने कहा था कि हम राजनीति केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, समाज के लिए राजनीति करते, देश के लिए हम राजनीति करते हैं। कल इसीलिए हमने यह बात कही, इसलिए चाहे जो हमारी इच्छा के प्रतिकूल भी हो सकता है, ये इतनी बड़ी पार्टी, यह आवश्यक नहीं है कि सबके इच्छा के अनुकूल हो जाए। आज प्रतिकूल हो गया, कल आपके अनुकूल हो जाएगा, आगे कुछ होगा। किसी को पद कभी मिला कभी नहीं मिला, तो बराबर जब मैं पार्टी का उत्तर प्रदेश का भी अध्यक्ष था, तब भी अपने कार्यकर्ताओं से उस समय भी कहता था, जैसे यहां पर उस समय के संगठन मंत्री श्री हृदयनाथ सिंह जी बैठे हुए हैं, लोग जानते हैं, लोग कहते हैं कि क्या क्या बोलते हैं। मैं यही कहता था कि हम तो एक ही मंत्र यह जानते हैं, जो कुछ भी है। हमारे नागेंद्र जी यहां बैठे हैं जो बिहार में, ये भी उस समय थे विद्यार्थी परिषद में काम कर रहे थे, जानते हैं लोग। मैं कहता था, मैंने कहा मित्रों ये चिंता मत करो कि तुम्हारा क्या होगा, जितना ईमानदारी के साथ साफ नीयत के साथ तुम कर सकते हो करते हुए चले जाओ, जो विधाता को मंजूर होगा वही होगा। लोग कहते हैं विधाता की बात, अध्यात्म की बात, क्या मतलब है। मैंने कहा भाई हमको चाहे कोई दकियानुषी कहे, चाहे ऑर्थोडॉक्स कहे, चाहे जो कोई भी कहे, हम उस परोक्ष सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते रहेंगे, लेकिन बदनीयति से अपने जीवन में कभी काम नहीं करेंगे, यही संकल्प लेकर हम सबको जाने की जरूरत है। बदनीयत जिस दिन हम हो गए, बदनीयत होने के बाद बैड इंटेंशन से भी हम काम करें, उसके बाद भी हम अच्छे परिणाम की अपेक्षा करें, तो कभी भी नहीं हासिल हो सकता। और मैं अपने सारे जितने हमारे वरिष्ठ नेता, मैं जानता हूं बहनों भाइयों, विषय पर हम लोगों में तौर तरीके में उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी पार्टी में जैसे बड़े मन के नेता हैं, चिराग लेकर दूसरी राजनीतिक पार्टियों में ऐसे नेता की तलाश करनी पड़ेगी बहनों भाइयों, कभी आपको नहीं। चुनाव की चुनौती बहुत बड़ी है, बूथ कमेटी की बात हमने कही, बहुत सारी चीजों की कही, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता। मैंने तय किया है कि सेंट्रल लेवल पर भी एक सेंट्रल बूथ मैनेजमेंट कमेटी में बनाऊंगा, ताकि प्रॉपर मॉनिटरिंग उसकी की जा सके, क्योंकि मैं मानता हूं कि बूथ मैनेजमेंट इलेक्शन मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा हिस्सा है हमारी यह धारणा।